चला रही है। पुलिस इसहाब के नफाज के लिए कानून साजी यकीनन मौजूदा हुकूमत का एक ऐसा कारनामा होगा जिससे न सिर्फ पुलिस से नापसंदीदा अनासिर की तरफी मुमकिन होगी बल्कि इसके अलावा और नेक नामी में इजाफा भी होगा। हैदराबाद इमरजेंसी पुलिस रिस्पॉन्स सेंटर 999 में मुल्क का पहला जदीद तरीन कंप्यूटराइज सिक्योरिटी सिस्टम जिसे कहते हैं सेफ होम फाइल का हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। पुलिस फोर्स की जज्बाती और वस्त्र की एक रोशन हकीकत है और हमारी खुशकिस्मती है कि सरहद पुलिस को आप जैसे बेहतरीन मुंतजिम की सरपरस्ती हासिल है जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी के हमें अजला और पुलिस स्टेशन को नकद इनाम देने का फैसला करके पुलिस फोर्स में मुसाबिकत के जज्बे को प्रमाण कराया है। आज इस मौके से पैदा उठाते हुए पुलिस की इस मादरे इल्मी यानी ट्रेनिंग कॉलेज हम के तरबियती मायाब को जदीद खुदूत पर सवार करने के लिए फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी कंप्यूटर ट्रेनिंग तरबियती अमले के लिए रिहायशी सहूलतों की फराहमी आबनोशी स्कीम और कॉलेज की फैसलों के तामीराती काम की तकमील की आपसे इंतजार करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप इन मालूमात को तरजीही बुनियादों पर खसूसी तवज्जो देंगे। जामे जहां नुमा है शहनशाह का जमीर, जामे जहां नुमा है शहनशाह का जमीर, सोगंद और दवा की हालत नहीं होंगे। मैं आखिर में एक बार फिर तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुशी आपका मशहूर ममनून हूँ कि आपने हर दर्जा मसरूफियात के बावजूद आज की तकरीब में शिरकत फरमाकर पुलिस के जवान की हौसला अफजा जमाई। शुक्रिया। भारतीय पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जनाब मोहम्मद सईद खान आईजी पुलिस सुबह सरहद, मेहमान गिरामी पुलिस अफसरान, अजीज जवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मुनज़्ज़म और शानदार परेड जो आप सब की अनथक मेहनत, पेशावराना लगन और जोश जज्बे की आईनादार है, इस परेड के आला मियार से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इदारे की तरबियत दूसरे शोबों में भी हर लिहाज से जामिया और काबिले सताइश होगी। मुझे यकीन है कि इल्मी मजामीन में भी यही मियार आप लोगों ने हासिल किया होगा। अजीज जवानों, यहां पर दी जाने वाली तरबियत का असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। आपको माशरे में आए हुए आए रोज मुख्तलिफ किस्म के जराइम और समाजी बुराइयों का सामना करना पड़ेगा जिनके अदाले के लिए अवाम की नजरें आप पर लगी होंगी। मुझे यकीन है कि आप तरबियत के दौरान हासिल होने वाली तमाम तर इल्म और महारत कानून शिकन अनासिर की सरकूबी और मजलूमों को तहफ़ फराहम करने पर सब करेंगे। एक पुलिस के जवान को खौफ खुदा, सच्चाई, आला अखलाक और इंसो इनकिसारी का अमली नमूना होना चाहिए। आपको हर हाल में यह साबित करना होगा कि आप के ऊपर जो जिम्मेवारी सौंपी गई है आप उसके अहल हैं और अपने आप और पुलिस फोर्स के खिलाफ अवाम में पाई जाने वाली बेएतमादी को एतमाद में, मोहब्बत और दोस्ती में बदलना होगा। मौजूदा हुकूमत पुलिस इस्लाहात का बुनियादी मकसद इनकी जिम्मेवारियों की का सही समय में तय्यून करना और इनके मसाइल को कम करना है। इन इस्लाहात की रोशनी में इंशाअल्लाह पुलिस को आवाम दोस्त, करप्शन से पाक और मुस्तैद फोर्स बनाया जाएगा। इस सिलसिले में पुलिस में पाए जाने वाली जुमला कबाहतों बिलखसूस करप्शन को कंट्रोल करने के साथ साथ
पुलिस फोर्स पर मुअसर निगरानी के लिए मॉनिटरिंग का निजाम भी राइज किया जा रहा है। यहां पर मैं एक चीज वादा करना चाहता हूं कि सरकारी ओहदे और जिम्मेदारियां ना तो किसी की मीरास होती हैं, ना ही ये तोहफे में दी जाती हैं और ना ही ये खैरात के तौर पर बांटी जाती हैं। इन पर कायम रहने का जवाब और हक इन्हीं का होता है जो अपने आप को इनका अहल साबित करें और अपनी जिम्मेदारियों को बतरीके अहसन निभा सकें। अगर वो ऐसा न कर सकें तो सरकारी आला या अदना ओहदों पर रहने का उनका कोई जवाब नहीं बनता। और मेरी ये कोशिश होगी कि ऐसे लोगों को जो अपने फराइज की अदायगी में गफलत के मुर्तकिब पाए जाएं या इन ओहदों से मुंसलिक फराइज की अदायगी की अहलियत ही ना पाएं और जिन्होंने अवाम का जीना दोबर किया हो, इनकी जितनी जल्दी हो बेरुखनी की जाए ताकि अवाम भी सुख का सांस लें और हकदार और अहल अपराध को आगे लाया जा सके। आप सब एक मुकद्दस पेशे से वाबस्ता हैं, जान माल इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस के बुनियादी फराइज में शामिल है, इसलिए फोर्स के हर जवान को हर वक्त और हर लम्हा वर्दी के तकद्दस का ख्याल रखते हुए चौकस रहना चाहिए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि पुलिस फोर्स को आवामी खिदमत का एक ऐसा इदारा बनाया जा सके जो शहरियों को किसी भी दिक्कत, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी मसला और मुसीबत में मदद कर सके, ताकि पुलिस का तसव्वुर अवाम की खिदमत की एक मिसाल बन जाए। पुलिस के फराइज में तफ्तीश को रीढ़ की हड्डी हासिल है। सही तफ्तीश असली मुजरिम को बेनकाब करती है और बेगुनाह को तहफ्फुज़ देती है। जदीद खतूत पर तफ्तीश के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दौरे हाजिर का तकाज़ा है। इस फील्ड में मुनासिब तरबियत याफ्ता पुलिस ऑफिसर का होना महकमा के लिए लाजमी है, लिहाजा उसूली तौर पर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हंगू में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और कंप्यूटर लेबोरेटरी का क्याम हमारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल होगा। आईजी साहब ने पीटीसी हंगू को दरपेश जिन मसाइल का जिक्र किया है इन पर जरूर गौर किया जाएगा और इनको हुकूमत की जानिब से तरजीही बुनियाद पर हल किया जाएगा। पुलिस फोर्स के तमाम मसाइल के हल के लिए वफाकी और सूबाई सतहों पर हर मुमकिन इमदाद और हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे और उठाए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इनकी रोशनी में बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। आखिर में मैं आप सबको एक बार फिर बेहतरीन मियारी परेड पेश करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि खुदावंद करीम हम सबको अपनी जिम्मेदारियां बतरीके अहसन पूरे करने की तौफीक अता फरमाए और सूबे के अवाम की खिदमत में हमारी रहनुमाई फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Thank you.
بدل بنجاز ليلى Thank you.
तस्वीरें जलाल और जमाल के रंग मेरे आपके सामने बिखरे हुए हैं।